हम खास तौर पे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के सरकार का और भाजपा का क्या रवैया रहा है उस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने देखा है शुरू से ही, जब से इस यात्रा का अनाउंसमेंट हुआ है, जब से इस यात्रा की घोषणा हुई है, खास करके भाजपा ने इस यात्रा पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया। इसके अलग अलग बिंदु हैं। सबसे पहला हमला ये बोल करके किया गया कि भारत तो जुड़ा हुआ है, क्या जोड़ने के लिए निकले हैं। भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है दोबारा विश्व गुरु बन चुके हैं, भारत लगातार जो है विकास कर रहा है। तो ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि आपको भारत जोड़ने की जरूरत है। आप लोगों ने ये सवाल कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा, आपके व्हाट्सएप पे आया होगा, आपने जो है अपने टीवी चैनल पे जो है बीजेपी जब बोलती है इसको तो इसको चलाया होगा, और चर्चाओं में भी भाजपा के लोग बार बार ये बोलना शुरू किए कि भारत तो जुड़ा हुआ है, तो क्या जोड़ने के लिए निकले हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो मैं एक काउंटर सवाल आज उनका जो ये हमला था उसका करना चाहता हूँ कि भारत जब जुड़ा हुआ है और भारत जोड़ो यात्रा की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है आपके नज़र में, तो आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है, उनको क्या जरूरत है इंक बर्बाद करने की, पेपर बर्बाद करने की, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लेटर लिखने की। जिसकी जरूरत ही नहीं है उनके नजर में, उसकी चर्चा वो क्यों कर रहे हैं, पहला प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि देश जुड़ा हुआ है जमीनी तौर पर, भौगोलिक तौर पर, देश जुड़ा रहे भावनात्मक तौर पर भी, क्योंकि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है। लोगों को हटा करके कोई देश नहीं होता है। देश के लिए लोग भी जरूरी होते हैं, जमीन भी जरूरी होती है, और देश की संप्रभुता, उसकी आजादी भी जरूरी होती है। हमारे पास संप्रभुता है और उसी संप्रभुता के आधार पर जो है हम अपनी सीमाओं को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण रहे। देश हमारा जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश के लोग भी जुड़े रहे ना। जब इस देश के लोगों को उनके पहचान के आधार पर बांटा जाता है, उनके अंदर भेदभाव पैदा किया जाता है, एक के खिलाफ जब दूसरे को खड़ा किया जाता है, तो देशवासियों को आपस में तोड़ने की कोशिश की जाती है। और देश अगर भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा रहेगा, तो आप जमीन से भी बहुत देर तक जोड़ के नहीं रख पाएंगे। इसीलिए देशवासियों को आपस में जोड़ना जरूरी है। और पहले दिन से हमने कहा कि यह यात्रा दिलों को जोड़ने की यात्रा है। हम चाहते हैं कि देश में मोहब्बत हो। यह जो नफरत की बयार लगातार बह रही है, इस नफरत को हराया जाए, क्योंकि अगर नफरत का माहौल रहेगा तो देश के भीतर जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये मुद्दे गायब हो जाएंगे राजनीति के विमर्श से। हमारी मनसा बिल्कुल साफ थी। तो जो लोग ये पूछ रहे थे, उनको ये समझना था, ये सवाल खुद से पूछना था कि क्या जब इस देश में भर्ती घोटाला होता है, भर्तियां नहीं होती है, जब किसी इंसान के साथ सरेआम मारपीट होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो आपकी भावना नहीं टूटती है, नौजवानों के सपने नहीं टूटते हैं। उसी भावनाओं को जोड़ने के लिए, उसी सपने को जोड़ने के लिए यात्रा है। तो पहला हमला उन्होंने ये किया कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है। दूसरा हमला जब यात्रा शुरू हुई, तब उन्होंने दूसरा हमला किया, और ये बड़े शर्म की बात है और बड़ी सोचने की बात है। हमारे बीच में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक जिम्मेवारी होती है कि वो जब भी बोले तो सोच समझ करके बोले, ताकि हम भी उनको फॉलो करें, हम भी उनसे सीखें। और मैं तो कहता हूं कि आज अगर नेताओं की बात पे भरोसा करके कोई स्टूडेंट उसको सच मान ले और परीक्षा में वही लिख दे, तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं। आप याद कीजिए, दूसरा हमला हुआ जिस दिन यात्रा शुरू हुई, देश के मंत्री के द्वारा, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा झूठ बोला गया कि राहुल जी जो है विवेकानंद जी की मूर्ति पे नहीं। तो दूसरा हमला उन्होंने किया कि यात्रा जब शुरू हो गई है तो उसको बदनाम कर लिया। और यहीं पे यह बात रुकी नहीं, फिर बात आ गई जूते पर, फिर बात आ गई फीते पर,
फिर बात आ गई टी शर्ट पर, फिर बात आ गई दाढ़ी पर, फिर बात आ गई महिलाओं पर, और यहां पर भी वो रुके नहीं, माने नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ निकालना शुरू किए। और जब हकीकत में कुछ नहीं मिला तो जो उनका तीसरा हमला था, जो उनका डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट जो करता है कि किसी का सर किसी के जो है सर के ऊपर लगा दो, किसी का आवाज कहीं पे चिपका दो, यात्रा को लेकर के नकली वीडियो बनाना शुरू किए। यात्रा जब आगे चली जाती है तो पीछे सड़क खाली ही होगी, यात्रा आगे बढ़ गई है तो उस खाली सड़क का वीडियो बना करके दिखाते हैं, कोई है ही नहीं। अरे भाई, जब कोई है ही नहीं, कोई लोग यात्रा में आ ही नहीं रहा है, तो क्यों आपको अभी जो है प्रोटोकॉल की याद पड़ी है? कोरोना प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप तो यही दिखा रहे हैं वीडियो बना बना करके कि कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है। जब कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है तो क्या पेड़ को मास्क पहना दें कि सड़क जो है लपेट करके कंधे पर रख दें राहुल जी के, कि नहीं नहीं आप आगे बढ़ गए, सड़क को पीछे कैसे छोड़ दिए, इसको भी लपेट करके कंधे पर ले जाइए। वीडियो, नकली वीडियो, कभी जो है तबलीगी जमात तो कभी कुछ कभी कुछ, नकली वीडियो बना रहे, जबकि यात्रा में जो लोग शामिल हैं वो देखते हैं, सबसे आगे इस देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है। और जयराम जी, दिग्विजय सिंह जी, इनसे हम नौजवानों को सीखना चाहिए कि लगातार वो उस झंडे के साथ चलते हैं। हमारा सेवा दल जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जमाने के जो गाने हैं उसको गाते हुए चलते हैं, पीछे जो है हमारा एक बैंड पार्टी होता है जो म्यूजिकली जो है देशभक्ति गानों को बजाता है, और उसके पीछे जो है वो राहुल जी चलते हैं, तब जो है इस यात्रा के ऊपर जो है देशद्रोह जैसे कालिख लगाने की कोशिश करना, गलत वीडियो बना करके इसको बदनाम करना, ये इनका तीसरा हमला है। और चौथा हमला आप सब लोगों ने देखा होगा कि राहुल जी गुरुद्वारा जाते हैं तब भाजपा ठीक रहती है, राहुल जी जब चर्च जाते हैं तब भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, राहुल जी जब मजार पे जाएं, मस्जिद पे जाएं, तब भी भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में जाते ही ऐसा लगता है जैसे भाजपा वालों को कोई जमाल गोटा खिला दिया, अचानक से दस्त होना शुरू हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? इस देश का नागरिक, इस देश का व्यक्ति, इस देश के किसी भी धार्मिक संस्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र है। आपका कोई कोई जो है पेटेंट है क्या कि सिर्फ आप ही जाएंगे? और नियम कायदे कानून, ओम का चादर सीधा है, ओम का चादर उल्टा है, और ये वो लोग बना बोल रहे हैं जो गुफा में चश्मा लगा करके ध्यान करते हैं। ये जो चल रहा है इससे मैं बस एक अर्थ निकालता हूं कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि इस यात्रा को इग्नोर किया जाए, इनसे इग्नोर नहीं हो पा रहा। बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया अपने कार्यकर्ताओं को कि यात्रा गुजर जाए बिल्कुल खिड़की दरवाजा बंद कर लेना। इंसान की अपनी भी इच्छा होती है, इंसान की अपनी भी बुद्धि होती है। लोग खिड़की दरवाजा बंद कर लिए लेकिन छत पे चले गए भाजपा ऑफिस के, और वहां से जो है यात्रा को हेलो हाय करना शुरू कर दिया। क्या करेंगे? क्योंकि यह यात्रा जिन सवालों को लेकर के चल रही है ना, वो कांग्रेस के सवाल नहीं है, वो देश के सवाल है। ये यात्रा इसलिए है कि इस देश में दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। ये यात्रा इसलिए है कि इस देश के नौजवानों के सपने टूट रहे हैं, अब किसान के साथ साथ नौजवान भी आत्महत्या करने पर विवश हैं। आप व्यापारियों, छोटे व्यापारियों की हालत जाकर के देखिए कि किस तरीके से उनके उद्योग धंधे, उनका कारोबार जो है वो समाप्त किया जा रहा है। आप महिलाएं जब इसमें शामिल होती हैं तो उनका एक ही सवाल है कि हम सुरक्षा चाहते हैं। जिस तरीके से आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं वो उसे सुरक्षा चाहते हैं। अपने अपने मुद्दों को लेकर के जवान, किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, व्यापारी, प्रोफेशनल्स, मीडिया के लोग, पुराने प्रोफेसर्स, फिल्म से जुड़े हुए लोग, तमाम तरह के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जो दल की सीमा है उस दल की सीमा से परे जा करके यह यात्रा देश की यात्रा बन चुकी है। इसीलिए इनका जो क्लेम था ना कि सबसे बड़े देश के लिए, देश हित में सोचने वाले ये हैं, तो ये एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं, और इससे इनको घबराहट है। इनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है, और आजादी के ऊपर जो आंच आई है
उसको लेकर के डट करके कांग्रेस सड़कों पे उतर गई है, खड़ी हो गई है, तो अब इनको चिंता सताने लगी है, इसीलिए अब नया बहाना आया है। कोई समझाए इन प्रचंड मूर्खों को, कोरोना बहाना नहीं बीमारी है। कि ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने का मन नहीं है तो बच्चा नहीं करता है, मम्मी दांत में दर्द हो रहा है, ये बहाना नहीं है, ये बीमारी है। और इस बीमारी को लेकर के राहुल जी इस देश के पहले नेता हैं जो सरकार को सबसे पहले चिट्ठी लिखे थे, और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से, उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना का, दिन में हो जाता है रात में नहीं होता है, आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे, शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिए हैं। हम बार बार कह रहे हैं शुरू से लेकर के आज तक कोरोना को लेकर के हमारी पार्टी गंभीर है, और जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल होगा वो सबके लिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लिए नहीं होगा और कांग्रेस के लिए होगा, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे आयोजन होंगे ये आयोजन नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। तो उस पे जो है हम उसको फॉलो करेंगे जैसा जैसे पहले फॉलो किया था, और सरकार को भी बताएंगे जहां सरकार गलती करेगी, और जनता के सवाल को लेकर के जो ये यात्रा है, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी के जो सवाल हैं, ये यात्रा भी चलेगी। इनको जितना दम लगाना है लगा लें, ये इग्नोर करके देख लिए, बदनाम करके देख लिए, मंदिर क्यों जाते हैं, मस्जिद क्यों जाते हैं, टी शर्ट कौन सा पहन लिया है, ओम का चादर सीधा है कि उल्टा है, इन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन यात्रा देखते देखते हेलीकॉप्टर से नहीं, ट्रेन से भी नहीं, पैदल चल करके पांव से यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच गई। और दिल्ली जब पहुंच गई है ना, तो दिल्ली की तख्त जो है इनको हिलती हुई नजर आ रही है। तो एक बार और रिमाइंड करा देते हैं उनको, जो पहले भी कहते थे, इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्शन नहीं, इमोशन है। आप इमोशन साफ रखिए, इस यात्रा से आपको कोई थ्रेट नहीं होगा, क्योंकि हम इस यात्रा के माध्यम से भीड़ नहीं जुटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के नागरिक अपने सवालों को लेकर के, नागरिक भीड़ नहीं, अपने सवालों को लेकर के इस यात्रा में शामिल हो। और यह यात्रा जिस तरह से कन्याकुमारी से चली है, यह यात्रा कश्मीर तक जाएगी, यही हम लोगों को उम्मीद है। और आप लोग सब अपने तरीके से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।